नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। मुरादाबाद में विकास खंड कार्यालय पर बने बूथ पर सपाइयों व भाजपा के बीच हुई धक्का मुक्की। सोमवार को सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत मुरादाबाद विकास खंड कार्यालय में बने बूथ पर उस समय हंगामा हुआ और नेताओं के बीच धक्का मुक्की होने लगी, जब बूथ पर खड़े भाजपा सपा नेताओं में टकराव हुआ। वहीं पर जानकारी के अनुसार मुरादाबाद ब्लॉक चक्कर की मिलक में सपा नेताओं व भाजपा में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी नेताओं ने विपक्षी नेताओं के देर से आने पर पोलिंग एजेंट बनाए जाने की मांग पर आपत्ति जताई। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने दोनों को मतदान केंद्र से बाहर करके मामला सुलझाया। विवाद के बाद क्षेत्र में वोटिंग शांतिपूर्ण माहौल में हुई। ले लो दादा का फोटो लो पहले। राजा भाई, ये फोटो छपना चाहिए, मैं बता रहा हूँ। 1,00,000 फोटो से सर, अभी आप तो खंड विकास अधिकारी के कार्यालय पर आप निरीक्षण करने के लिए, कुछ यहाँ पे अभी झड़प हो गई, तो क्या प्लान है? यहाँ पर एक कोई पोलिंग एजेंट जो विलम्ब से आया था, जिसको सुबह वोटिंग के समय वो नहीं आया था, देर से आया था, उसी को लेके कुछ समस्या हुई थी यहाँ पर, और अब समझा बुझा के लोगों को हटा दिया गया है और मतदान जारी है, कहीं समस्या नहीं है। कोई गाड़ी भी यहाँ पर अंदर खड़ी करने को लेकर नहीं, गाड़ी को लेके नहीं समस्या, वो पोलिंग एजेंट को लेके थी कि वो विलम्ब से आया था, तो उसको यहाँ अब उसकी एंट्री हो गई है और शांति से मतदान चल रहा है। सर, किस किस के बीच में हुआ था? दो अलग अलग पार्टी के लोग थे।